हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस नए कोर्स क्विक रिवीजन में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं पूरा 1 साल का करंट अफेयर कवर करने वाला हूँ जनवरी 2019 से। इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट सिलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए। बहुत ही क्विक रिवीजन है, 1 मंथ का इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज़ द थीम ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन 24 जनवरी 2019? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट टमोरो। ठीक है, पूछ रहा है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी 2019, इसे कौन हेल्प, ये किसके अंतर्गत आता है? ये वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस साल का जिसका जो थीम था, 2019 का जो थीम था, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइटर टुमारो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग द ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री? सो आवर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज, सो कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन। एज पर द रिवाइज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नॉर्म्स, द GST ऑन हज एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 18% टू हाउ मच परसेंट? जो हमारा पहले हज और कैलाश मानसरोवर यात्रा होता था, उस पे जो GST रेट 18% लगता था, अभी उसमें रिड्यूस हुआ है। उसमें कितना परसेंट का रिड्यूस हुआ है? उसमें 5% का रिड्यूस हुआ। सो 18% टू 5% हो चुका है, विच इज़ गुड। वन, विच डे इंडिया सेलिब्रेट द 9th नेशनल वोटर डे फ्रॉम एनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन इलेक्ट्रल प्रोसेस? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोवा नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया है। तो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, जो 2019 में ये नोवा नेशनल वोटर्स डे के जैसा मनाया गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th नेशनल वोटर डे? ये क्वेश्चन का पूछ रहा है सर कि थीम ऑफ द 9th नेशनल वोटर डे क्या था। तो इसमें था 2019 में जो 25 जनवरी को बोला गया, वो नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई वोटर बाकी नहीं रहना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द नैनो सैटेलाइट। नैनो सैटेलाइट इसकी जो मेजरिंग है 10 × 10 सेंटीमीटर, विच वॉज डेवलप्ड बाय द इंडियन स्टूडेंट एंड चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया फ्रॉम HM रेडियोज एंड लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन PSLV C-44 रॉकेट्स। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्लाम सेट है, जो नैनो सेटेलाइट, जो सबसे छोटा सेटेलाइट है, उसका नाम है क्लाम सेट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड वॉज डिक्लेयर्ड एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रिलीज करता है? तो 2018 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो था नारी शक्ति। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द ओनली इंडियन पोर्ट टू बी लिस्टेड अमोंग टू वर्ल्ड्स टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स एज पर लेटेस्ट लियोड रिपोर्ट्स? ओके, ठीक है, लियोड रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का टॉप 30 कंटेनर पोर्ट में, अगर जो पोर्ट हमारे भारत का आता है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। विच कंपनी लॉन्च अ न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रीवीव.इन फॉर हैंडलूम वीवर्स एंड प्रोजेक्ट रीवीव एज पार्ट ऑफ इट्स फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जिस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रीवेव डॉट इन
फॉर हैंडलूम वीवर्स के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। सो कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल सरपास विच कंट्री टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल डिमांड ग्रोथ सेंटर ग्लोबली इन 2019 ऑन बैक ऑफ बायोंट ऑटो फ्यूल लैंड फ्यूल एंड एलपीजी कंजप्शन, वो है चाइना को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोलता है, 10 ईयर्स आफ्टर 26/11 द इंडियन नेवी कोऑर्डिनेट द लार्जेस्ट एवर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ इंडियन कोस्ट ऑन 20-30 जनवरी 2019, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज। बोल रहा है 26/11 का 10 साल होने पर इंडियन नेवी ने एक सबसे बड़ा कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज किया 22-23 जनवरी 2019 में, उस एक्सरसाइज का क्या नाम था, तो उसका नाम है सी वीगल। ओके, नेम द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन द दिल्ली इन विच 4 म्यूजियम रिलेटिंग टू द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद ए जालियावाला म्यूजियम बेस्ड ऑन द जालियावाला बाग एंड वर्ल्ड वॉर वन म्यूजियम ऑन 1957 इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दृश्य कला म्यूजियम एग्जीबिशन ऑफ इंडियन आर्ट वॉज इनग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो हुआ है हमारा रेड फोर्ट पर। ओके, रेड फोर्ट में मैं खुद गया हूँ, बहुत ही अच्छा है, जब भी टाइम मिले आपको कोशिश करना कि एक बार विजिट करना, ज्ञान की बातें हमें वहाँ से मिलेंगी। टू विजिट विच कंट्री इंडियन ओवर 65 एंड अंडर 15 ईयर कैन नाउ यूज आधार कार्ड एज अ वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, वो कौन सा कंट्री है जिसने इंडियंस को मतलब पासपोर्ट की जगह एक वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए छूट दिया है 65 से 15 साल के इंसान के बीच में, तो वो कौन सा देश है, वो नेपाल है और वो भूटान है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th edition of Pravasi Bharatiya Divas was held in this city on 21st January 2019. 15th Pravasi Bharatiya Divas kahan held hua tha? Wo hai Varanasi, Uttar Pradesh. Okay. Next question. Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana, the flagship scheme of the central government for employment generation, has crossed the milestone. Yahan pe dash hai, aapko fill up karna hai. करोड़ बेनिफिशरी एज ऑन जनवरी 14, 2019। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत जो फ्लैक्स स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, उसके तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनका आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है, तो ये है 1 करोड़। ओके, इसका आंसर 1 करोड़ होगा। क्वेश्चन 16, द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच केम इन टू इफेक्ट ऑन January 14, 2019 प्रोवाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। हमारे संविधान के 103 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ बदलाव किया गया था 14 जनवरी 2019 को, वह था रिजर्वेशन कोटा के लिए फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी, तो कितना परसेंट था, 10% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर रिसेंटली रिसीव द फर्स्ट एवर फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर विच आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, किन्हें मिला है नरेंद्र मोदी को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किस देश का उच्च सामान्य अवार्ड है। सो कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द उन्नति प्रोग्राम ऑन 17 जनवरी 2019 टू कम्यूमरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस यूनिस्पेस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द उन्नति प्रोग्राम, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया 17 जनवरी 2019 को,
किसके लिए टू 15th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, जब यूनी स्पेस का 50th ईयर हुआ तो वहाँ पे इसरो ने उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया। ओके, किसने किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। सो कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच सिटी? वडोदरा। वडोदरा है जो गुजरात के गुजरात में है। ओके, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इंडिया फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच सिटी? वडोदरा। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फॉर विच एन एग्रीमेंट वॉज साइन ऑन द 11 जनवरी 2019 अमंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। देखिए, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसके लिए 11 जनवरी 2019 को एक एमओयू हुआ। ठीक है, किन किन राज्यों के बीच में? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। किस किस चीज़ के लिए हुआ? वो रेणुका जी डैम के लिए हुआ है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनेगा उसमें किसको क्या मिलने वाला है, किसको कितना पानी मिलेगा, किसको कितना बिजली मिलेगा, किसको किससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, सो कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UDI। ओके, टू सेट अप द रोबोस्ट डिजिटल पेमेंट इको सिस्टम इन द कंट्री, नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द UDI हु विल हेड दिस कमिटी। भाई, RBI के साथ UDI ने एक कमेटी बनाया। RBI ने कहा कि हमें हमारे हमारे देश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का बढ़ावा करना है। ठीक है, तो वो जो कमेटी जो बनाया गया, उस कमेटी में के जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ UDI के जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनके साथ ही मिलकर ये कमेटी बनाया गया। वो कौन थे? नंदन नीलकानी। ओके, नंदन नीलकानी याद रहेगा। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इरीगेशन प्रोजेक्ट विच हैज़ एंटर्ड इन द जीनियस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, पोरिंग 32,100 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट इन 24 आवर्स। सो आवर आंसर इज पोलावरम प्रोजेक्ट। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में हुआ है। नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन हु वॉज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल सोलर काउंसिल फ्रॉम 1 जनवरी 2019। पूछ रहा है द नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल सोलर फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है। ओके, जो 1 जनवरी 2019 से हैं, प्रणव आर मेहता। गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ फाइन 100 करोड़ बाय द NGT फॉर फेलियर टू कर्व इलीगल कोल माइनिंग इन द स्टेट। याद है आपको 2019 में मेघालय में एक घटना हुआ था, रेड हॉल माइंस। ओके, इलीगल माइनिंग ऑफ कोल के कारण। ठीक है, तो NGT ने उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेघालय। Which state has become the first in the country to launch one family one job program for the people of its state? भाई देख लो आप लोग भी, which state has become the first in the country to launch one family one job program for the people of its state? Sikkim. So हमारा जो population control करने के लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका जो ढूंढ निकाला है वो हमारा कौन सा राज्य है? सिक्किम है। तो सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आपके इनबॉक्स में ज़रूर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कनेक्टेड विथ मी, सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड शेयर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।